वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। श्रीलंका की राह पर बांग्लादेश, 5 महीने की विदेश मुद्रा शेष, पीएम हसीना का खजाना खाली, सरकारी खर्च पर कटौती भारी। नमस्कार, जनसत्ता देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आरुषि श्रीवास्तव। श्रीलंका के बाद अब पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश पर भी आर्थिक कंगाली का खतरा मंडराने लगा है। देश के पास जरूरी खर्च चलाने के लिए सिर्फ 5 महीने का खजाना बाकी है। विदेशी मुद्रा भंडार के संकेत को देखते हुए प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सरकारी अधिकारियों के विदेश यात्रा पर रोक लगा दी है। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला स्पेशल रिपोर्ट के माध्यम से। श्रीलंका के बाद भारतीय उपमहाद्वीप का एक और देश आर्थिक बदहाली का शिकार हो चुका है। हम बात कर रहे हैं पूर्व में हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की, जहां विदेशी मुद्रा भंडार खतरे के निशान को पार कर गया है। 18 मई 2022 को बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार 42 मिलियन डॉलर से भी कम रह गया था, जो मुश्किल से 5 महीनों के खर्चों का भुगतान करने के लिए ही काफी है। विदेशी मुद्रा संकट गहराया है तो बांग्लादेश की सरकार ने इससे निपटने के लिए कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। तत्काल प्रभाव से सरकारी अफसरों के विदेश यात्रा पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन और स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बांग्लादेश के वित्त मंत्री AHM मुस्तफा का कहना है कि जब मुश्किल वक्त हो तो मुश्किल फैसले लेने ही पड़ते हैं। संकट यूक्रेन युद्ध की वजह से है, जो हमें नहीं पता कि कब खत्म होंगे। आर्थिक जानकार मानते हैं कि बांग्लादेश के आर्थिक संकट की शुरुआत पिछले साल जुलाई में हुई थी। हर महीने के साथ संकट बढ़ता चला गया। फरवरी में संकट अपने चरम पर पहुंच गया। इस बीच विदेशों से बांग्लादेशी नागरिकों ने पैसा भेजना भी कम कर दिया। बांग्लादेशी टका की कीमत भी डॉलर के मुकाबले लगातार कम होती चली गई। अर्थशास्त्री मानते हैं कि अगर समय रहते कदम उठाया जाता तो शायद स्थिति इतनी खराब नहीं होती। आपके इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन पर बताइए, और देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।